रेसलिंग के दीवानों, कैसे आप लोग, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक अनदर अंदर की खबर। और भाई ये खबर जुड़ी हुई है अपने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेन दोनों से। तो भाई आज आपने एक स्मैकडाउन देखा होगा, स्मैकडाउन का इवेंट कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई सबसे मेन पार्ट, जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा, ब्रॉक लेसनर की एंट्री। तो फाइनली भाई बीस्ट आ चुके हैं और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे, काफ़ी लोगों के मन में डाउट था कि यार ब्रॉक लेसनर कहाँ चले गए रसलमेनिया के बाद, असल में ये हारने के बाद कहाँ चले गए बीस्ट। तो फाइनली बीस्ट आ चुके हैं और बीस्ट भाई चैलेंज करने वाले हैं अपने रोमन रेन को। जैसे कि आपने देख लिया होगा, ट्रेलर तो देख लिया होगा, उन्होंने रोमन रेन को भी पेल दिया और उन्होंने भाई उसोस को भी पेल दिया। तो फाइनली अब हमें मैच देखने को मिलेगा समर स्लैम के अंदर। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कि उसमें बताया था कि भाई रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हैं, सर्जरी उनकी होने वाली अभी हुई नहीं है। तो फिलहाल अभी जो टेक ओवर करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन का स्पोर्ट, वो है ब्रॉक लेसनर। तो भाई WWE ने एक अनाउंसमेंट करी है स्पेशली कि भाई रोमन रेन के जो नेक्स्ट अपोनेंट होने वाले हैं समर स्लैम के अंदर, वो हैं अपने ब्रॉक लेसनर। तो भाई मनी इन द बैंक में भी वो फाइट नहीं लड़ने वाले हैं क्योंकि उनका मैच है ही नहीं, उसकी वजह से इन्होंने स्मैकडाउन में मैच करा दिया। हालांकि रिडल का मैच होने वाला था मनी इन द बैंक में, बट वो मेन पेपर में नहीं आए, स्मैकडाउन उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया और रिडल से जो अपना हिसाब किताब था वो चुकता कर दिया। तो फिलहाल अभी रिडल साइड में हो गए हैं। आपको पता है कि वो जिस स्टिपुलेशन बनी थी कि भाई चैलेंज नहीं करने कर पाएंगे, तो फाइनली अभी रिडल अब इस लाइन से बाहर हो गए हैं। रैंडी ऑर्टन समर स्लैम में उनके साथ मैच होने वाला था, तो भाई वो भी अभी होल्ड पे है, वो भी अभी नहीं हो रहा। अब जो मैच है ब्रॉक लेसनर जो है रोमन रेन के साथ, इसमें एक कंडीशन भी अप्लाई हो गई है फ्रेंड्स, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जो मैच होने वाला है रोमन रेन और अपने ट्राइबल चीफ का, भाई वो होने वाला है लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। ठीक है, मतलब इसमें रेफरी काउंट करेगा 10 तक, 10 तक काउंट करेगा और जो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया तो काउंट मैच जारी रहेगा, जो खड़ा नहीं हुआ तो मैच वो हार जाएगा। तो ये कंडीशन है इस मैच की। फाइनली हमें ये मैच समर स्लैम में देखने को मिलेगा। और ये एक चीज़ और मैं अंदर की खबर आपको बता दूं कि जो अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप है ये उसके लिए होने वाला है मैच, मतलब दोनों की दोनों बेल्ट जो रोमन रेन के पास है ये दोनों के लिए ही होगा। और भाई चांसेस ब्रॉक लेसनर के जीतने के कितने हैं और रोमन रेन के कितने हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के टाइम में आपको जो सिचुएशन थी, जो सिनेरियो बना है स्मैकडाउन के अंदर, वो मैंने आपको बताया है कि क्या सिनेरियो बना है। फाइनली देखो, जो WWE जो अनएक्सपेक्टेड करती है वो कहीं पे भी नहीं है, वो ना वो सोशल मीडिया पे मिलता है, ना वो आपको यूट्यूब पे वीडियोस में मिलता है। नहीं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो WWE है वो अपना डिस्क्लोज़ कर देती है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हज़ारों लाखों वीडियोस आपको उसी टॉपिक में मिलती हैं। लेकिन भाई जब WWE जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करती हैं वो किसी को नहीं पता होता, ना किसी यूट्यूबर को पता होता, ना किसी जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती हैं लोगों को, सोर्सेज जो बोलते हैं जिनको, वहाँ पे तो किसी को नहीं पता होता। ब्रॉक लेसनर की एंट्री एकदम अनएक्सपेक्टेड थी, किसी को 1% उम्मीद भी नहीं थी कि ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो सकती है मैच के बाद, लेकिन उन्होंने एंट्री करी और उनको दोनों को पेल भी दिया। तो भाई अपनी ये तो नॉर्मल एकदम देसी कमेंट्री आपने वीडियोस में देखी होगी, तो यही बातें हैं। बाकी जो इसका सिनेरियो था मैच का वो मैंने आपको बता दिया। समर स्लैम में अभी हमें देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर, काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे भाई ब्रॉक लेसनर को, और काफ़ी टाइम से कोई अच्छा अपोनेंट भी रोमन रेन को नहीं मिल रहा था। फाइनली एक अच्छा अपोनेंट रोमन रेन को भी मिला है। अब इस मैच के बारे में आपके लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, भाई चैनल आप लोगों का अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस भाई मैच से रिलेटेड आती रहेंगी। मैच से पहले क्या अपडेट हैं, क्या होने वाला है मैच में, क्या रिजल्ट होने वाला, रूमर्स वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें आपको पहले मिलती हैं। और भाई मेरे इसी चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो डालता रहता हूँ, पूरे के पूरा शो चलता है, जैसे रॉस मैकडाउन NXT वगैरह है, AEW की भी अपडेट्स आती रहती है चैनल पे, पूरे शॉर्ट्स में डालता रहता हूँ, शॉर्ट्स में पूरे चैनल को मैं पूरे इवेंट को कवर करता हूँ, तो वहाँ से भी जाके आप शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है अगर पसंद करते हो। ठीक है, नहीं तो भाई वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। बाकी फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अंदर की खबर के साथ, तब तक
एंजॉय कीजिए, एंटरटेन रहिए, लव यू ऑल।